नमस्कार, मैं साहुल पांडे। आज जो है पहले चरण का मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि हम अभी जो है बात करेंगे गया जिले की, यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान हो रहे हैं। और जो आपको जानकारी है उसके अनुसार बता दें कि जो यहाँ पे कुल मतदाता हैं, अगर 10 सीटों की बात कर लें तो कुल मतदाताओं की संख्या करीब करीब 30 लाख के पास है। और इसमें से 15 लाख से ज़्यादा वोटर जो है पुरुष हैं और 14 लाख से ज़्यादा वोटर्स वो महिलाएं हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे ज़िले में लगभग जो है 4430 बूथ बनाए गए हैं और कुछ संवेदनशील बूथों की संख्या भी जो है वो 980 के करीब है। ऐसे में मतदान शुरू हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हम अपने सहयोगी राजमोहन से जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है, खबरें आई हैं वहाँ से। हाँ, मतदान शुरू हो चुका है, हालांकि सुबह वही अभी सुबह की शुरुआत है तो भीड़ कम है, लेकिन भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे। और जो हमारे संवाददाता खबर भेज रहे हैं उसके अनुसार अच्छी वोटिंग अभी चल रही है। गया में हम बात करेंगे दो प्रमुख सीटों की, क्योंकि 10 विधानसभा सीट हैं, इसमें से दो प्रमुख सीट है, एक गया टाउन की सीट है और एक इमामगंज की सीट है। तो गया टाउन की सीट इसलिए बड़ी सीट बन जाती है क्योंकि यहाँ से मंत्री हैं प्रेम कुमार, वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत पहले से यहाँ से विधायक भी हैं, उनका एक अच्छा खासा रुतबा है। और कांग्रेस की तरफ से जो है अखौरी ओमकार नाथ हैं, वो यहाँ से जो है कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा मुकाबला देखने को मिलता है? मुकाबला तो टक्कर का हो सकता है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि प्रेम कुमार का कई जगहों पर चुनाव प्रचार के दौरान विरोध भी हुआ था। लेकिन एक और चीज़ देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस यहाँ पर पिछली बार 1985 में जीती है, उसके बाद से वो कभी यहाँ पर जीती नहीं, और 1990 से लगातार प्रेम कुमार यहाँ से विधायक हैं, तो जाहिर बात है कि उनका एक अपना वर्चस्व है इस सीट पर और तभी इतने सालों से वो लगातार विधायक बने हुए हैं। 1985 में कांग्रेस जीती थी, क्या इतिहास दोहरा पाएगी? ऐसा तो है, वो तो वोटर्स बताएंगे, आज जो वोट डालेंगे वो ईवीएम में कैद होगा, फिर 10 तारीख को पता चलेगा। इमामगंज सीट की बात करते हैं, ये सीट गई हुई है हम पार्टी को, यानी जीतनराम मांझी के तरफ से वहाँ पे कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा ये सीट जो है दूसरी तरफ अगर हम बात करें उसके बारे में बताइए। देखिए, इमामगंज सीट की अगर बात करें तो ये सीट 2015 से ही काफ़ी ज़्यादा लोगों के नज़रों में है, क्योंकि 2015 में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का पहली बार गठन किया था जीतन राम मांझी ने, अच्छा। जदयू से अलग होकर, और उस समय जब लड़ाई हुई थी तो उदय नारायण चौधरी यहाँ से हमेशा से विधायक रहे हैं, और पहली बार कोई दलित जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष बना इसी सीट से जीत कर, है ना, तो उदय नारायण चौधरी बने थे। लेकिन 2015 में नीतीश और जीतन राम मांझी के बीच में टकराहट हो गई थी, टकराहट के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनाया और उदय नारायण चौधरी के खिलाफ ही ताल ठोक दिया था, और पूरे विधानसभा के चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा केवल एक सीट जीती थी और वो थी इमामगंज। उदय नारायण चौधरी वहाँ से हार गए और हारने के साथ ही समझिए कि उनके कैरियर पर ही एक तरह से कहा जा सकता है ब्रेक ही लग गया था जदयू से। लेकिन जो ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्या लगता है चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से? उदय नारायण चौधरी, मुझे लगता है कि अगर होते सिनारियों में कहीं लड़ाई में तो जदयू से बाहर ना होते, जदयू में होते, लेकिन फिलहाल उसके बाद जिस तरह से वो चुनाव हारे थे 2015 में, उसके बाद उन्हें इग्नोर करने के लिए जदयू ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था जदयू का। लेकिन देखिए, कहा जाता ना उप प्रधानमंत्री और उप जब लग जाए ना तब किसी काम के नहीं रह जाते हैं, वही हाल हुआ था उदय नारायण चौधरी के साथ, और जिस तरह से उन्हें लगातार इग्नोर किया गया उसके बाद उन्होंने जदयू छोड़कर राजद का दामन थाम लिया। पहले तो कुछ दिन तक ऐसे ही घूमते फिरते रहे, बाद में राजद का दामन थाम लिया और अब वहाँ से ताल ठोक रहे हैं इमामगंज से जीतन राम मांझी के सामने, लेकिन राह आसान नहीं होगी उनके। तो चलिए, ये तो थी गया सीट जहाँ पे वोटिंग जारी है। आपको बता दें गया में गुरुआ सीट है, शेरघाटी सीट है, बाराचट्टी की सीट है, बोध गया है, गया टाउन है, टिकरी है, इमामगंज है, बेलागंज है, अत्री है और वजीरगंज की सीट है। इन सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं। फिलहाल जैसी खबरें हैं मतदान जो है आराम से जारी है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। जैसी ही कोई खबर आएगी हम फिर आपके पास पहुँचेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।